तो यार आज के व्लॉग में ना मैं अपना पार्सल अनबॉक्स करने वाली हूँ जो कि इंडिया से आया है। इतना सोना। और ये मुझे दिया था रोहन ने और इस पे बहुत अच्छा अच्छा लिखा हुआ है। गाइस हेलो एंड वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। दिस इज दिव्या गुप्ता। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के पार्सल में मैं अपना आज के व्लॉग में पार्सल कितनी ज्यादा खुशी हो रही है ना। क्या हो गया? तो यार आज के व्लॉग में ना मैं अपना पार्सल अनबॉक्स करने वाली हूँ जो कि इंडिया से आया है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि आपके सामने अनबॉक्स करूँगी, तो मैंने सोचा कि चलो खोल लेते हैं। वैसे तो मेरी बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रही है और थकावट बहुत ज़्यादा हो रखी है। जैसे कि आपको पता, हम नई जगह पर शिफ्ट हुए हैं तो सारा सामान तो ऑलमोस्ट सेट हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा। वार्डरोब अभी सारी सेट करने वाली पड़ी है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा चुल हो रही थी, नहीं यार पार्सल ओपन करते हैं तो मैंने सोचा कि अब कर ही लेते हैं, लगे हाथ थके तो हुए ही हैं, थोड़ा और थक जाएंगे, क्या जाता है ना। फटाफट से अभी पार्सल ओपन करते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या आया है इंडिया से। पहले सोचा कि मैंने वीडियो नहीं बनानी पार्सल की, फिर मुझे याद आया कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे बोला था मैं आपके सामने अनबॉक्स करूंगी, आपको दिखाऊंगी इंडिया से क्या क्या आया है। मैंने सोचा यार हमें अच्छा नहीं लगता कि मैं अकेले अकेले पार्सल खोल दूँ और आपको ना दिखाऊँ। ठीक है, फटाफट से पार्सल ओपन करते हैं। तो ये है हमारा पार्सल। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये ऑलमोस्ट है 15 kg से ज़्यादा ही है। पिछली बार जो पार्सल आया था ऊपर ही बेडशीट पड़ी थी, तो जो मैंने कट किया ना बेडशीट में कट लग गया था, तो अब थोड़ा ध्यान से ओपन करना पड़ेगा। फिर ऊपर कुछ पड़ा भाई, तुम्हारी जॉब है। ऑलमोस्ट हमारे पास में ना कपड़े होते हैं, और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े मुझे लगता है इवान के आए होंगे, क्योंकि उसके लिए ही स्पेशल पार्सल भेजा मम्मी ने। कपड़ा भाई तुम्हारा, रोहन की जोगर, ये रोहन की जीन, रोहन की शर्ट, रोहन के कपड़े हैं यार, मेरे तो कोई है ही नहीं। तो ये है इवान के लिए स्पेशल, और मुझे लगा ये नंगा है, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। इसको मैं अपने ये न्यू बेड के ऊपर पीछे रखूंगी कॉर्नर में। और ये है बैग, बहुत ही ज्यादा सुंदर और हैवी बैग है यार, आई लाइक इट। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला था भाई थोड़ी ना खड़े मसाले भेजे, और मेरी मम्मी ने इतने सारे मसाले भेजे, मैं क्या ही बताऊँ, इससे भी बहुत ज़्यादा था। मैंने उनको बोला कि भाई आधा आधा निकालो, क्योंकि यहाँ पे इतना काम नहीं आएगा। ये पता नहीं क्या है, जो भी है मम्मी से एक बार दोबारा कॉल करके पूछ लूँगी कि क्या भेजा है भाई। ये रोहन की वेस्ट, और मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी टी मसाला भेजना थोड़ा सा बना के, इतनी बड़ी डब्बी भेजती है, तो मुझे लगता है भाई सालों साल चलेगा ये हमारा टी मसाला। और बाकी तो भाई इवान के कपड़े हैं, बहुत ही प्यारे सुंदर, इतना सुंदर है ये इवान जब 4 साल का हो जाएगा तब आएगा। नहीं तो बीच बीच में मम्मी ने थोड़े बड़े सूट भी भेजे, क्योंकि मैंने मम्मी को बताया था ऑलरेडी कि आने जाने के कपड़े बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से भेजना। तो मम्मी ने उस हिसाब से 1 साल के बच्चे के भी भेज दिए कि बड़ा होके भी पहनता रहेगा नानी के दिए हुए कपड़े, इसलिए 3 से 6 महीने, 6 से 9 महीने के काफी कपड़े थे, इसलिए मम्मी ने थोड़े बड़े भी भेज दिए। इवान का कुर्ता पजामा है, कितना क्यूट सा है। इवान को तो ये मैं कल ही पहना था, इसका फोटो शूट कर देना है, बहुत ही प्यारा है, टेडी बियर लगेगा इसमें पूरा। आई थिंक नहीं बड़ा तो नहीं लगेगा, अभी आ जाएगा ना इसका, नहीं यार छोटी छोटी ऐसे ही रखो। ठीक है पहन आगे देखेंगे, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो अभी थोड़ा वेट कर लेंगे, थोड़ा रुक के पहना देंगे। मम्मी ने सारे थोड़े बड़े बड़े भेजे हैं, ये शादी में पहनने वाले कपड़े भी भेजे हैं मम्मी ने। भाई ये तो बहुत ही बड़ा लग रहा है, पता नहीं 4 साल का जब होगा तब आएगा इसको। हमारा क्या है, ये थोड़े से क्या कहते हैं उसको, इंस्टेंट जो मिक्स नहीं होते लाइक दही भल्ला मिक्स, गुलाब जामुन मिक्स, ऐसे इंस्टेंट फूड नहीं बोल सकते, मतलब इसको लाइक जो रेडीमेड टाइप होते हैं इनको, ये थोड़े से ये भेजे हैं। सूप भेजे हैं, टमाटो कोड सेट, बहुत ही प्यारा सा कलर है इसका कोड सेट का, और इसके साथ में मफलर भी है, आई रियली लाइक इट। और इवान की जो आप आवाज़ें सुन रहे हैं वो इसलिए क्योंकि इवान को थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है और उसके पापा उसको सुला रहे हैं, और सोने से वो पहले ऐसे ही थोड़ी थोड़ी आवाज़ें करता रहता है। तो ये भी मेरा ट्रैक सूट है भाई इसका,
बहुत ही सुंदर। ये भी ट्रैक सूट है सेम, मतलब कलर चेंज है थोड़ा सा। तो इस पार्सल में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं इसमें नहीं दिखाऊंगी, मतलब हाँ बता देती हूँ। लेट मी चेक कि वो उसने कहाँ रखी है। मेरी सिस्टर ने एक लेटर भेजी है, वो कह रही 3 पेजों की मैंने तेरे लिए लेटर भेजी है, वो जो तू जब तू पढ़ेगी अपने सामने कैमरा ऑन रखी और मुझे तेरे नेचुरल रिएक्शन देखने हैं। तो अभी फिलहाल मुझे वो लेटर ढूंढनी पड़ेगी कौन से कपड़े में उसने डाल के भेजी है। तो देखते हैं, वो अगर मैंने रीड करी तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ज़रूर पता लगेंगे मेरे रिएक्शन। तो रोहन और मैं बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, लेकिन स्टिल हम कपड़े पहन के देख रहे हैं। पहले रोहन कपड़े पहन के देखेंगे, मैंने इवान को उठाया हुआ है, फिर मैं कपड़े पहन के देखूंगी, रोहन इवान को उठाएंगे। बहुत ही सुंदर लग रहा है। हाय हैंडसम, मॉडलिंग तो करके दिखाओ, थोड़ी पोज पोज मारो भाई। मस्त है। सोने के टाइम पे बाबूजी ने कांड कर दिया, पोटी कर दी, अभी इसका डायपर चेंज कर रहे हैं रोहन। ओ भाई साहब, पहले पार्सल ओपन करने की टेंशन थी, अब ये पार्सल ओपन करने के बाद जो सारा मेस हो गया, अब इसको समेटने की टेंशन है। ऊपर से अब इवान के सोने का भी टाइम हो गया है, तो सो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब इरिटेट सा है। तो अभी रोहन इसको सुला रहे हैं और मैं ये सारा जो पार्सल का मैंने मेस किया है इसको सारा समेटूंगी दोबारा पार्सल में पैक करके। अभी पार्सल में ही रहने देंगे क्योंकि अभी वार्डरोब जो है वो सेट करने वाली है। हैंगर वेंगर मैंने ऑर्डर किए हुए हैं, जब हैंगर आ जाएंगे तब सारी वार्डरोब सेट करेंगे। और ये जो सामान है, अभी तो इसमें से काफ़ी चीज़ें तो चाहिए नहीं क्योंकि इवान अभी बहुत छोटा है, उसके कपड़े तो काफ़ी बड़े बड़े आए हैं, वो अभी स्टैची में पैक करके रख देंगे। ये है लेटर जो कि मेरी सिस्टर ने भेजी है, इसको रीड करेंगे आराम से अच्छे से और रिएक्शन भी रिकॉर्ड करने हैं। मेरे को इतना पता है कि मैं पक्का वाला बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली हूँ, बिकॉज मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक बड़े बड़े गिफ्ट मेरे को इतने पसंद नहीं आते। जो चीज़ होती है ना कि हाँ ये मेमोरेबल सा रहता है, उसने पहले भी मेरे को लेटर भेजी थी तो वो भी मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है। रोहन ने भी एक दो कार्ड मुझे दिए, वो भी मैंने संभाल के रखे हैं। जहाँ पर मैं काम करती थी, जॉब करती थी, उन्होंने भी मेरे को कार्ड दिया था, वो भी मैंने संभाल के रखा। मेमोरेबल सी होती है ये चीज़, सो आई लाइक इट। तो गाइस ये है जहाँ पे मैं काम करती थी, ये वहाँ पे क्रिसमस पे मिला था ये कार्ड मुझे। और ये भी मेरे बर्थडे पे मिला था जहाँ पे मैं ग्रोसरी स्टोर पे काम करती थी, और ये मुझे दिया था रोहन ने, और इस पे बहुत अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। और इसमें ये जो पहले मेरी सिस्टर ने लेटर भेजी थी वो है, गॉड पता नहीं क्या क्या लिख के भेजा था, इसको पढ़ के मैं बहुत रोने लग गई थी। और ये मैंने रोहन को दिया था वैलेंटाइंस डे पे। और ये जो अब लेटर आई है इसको हम रीड करेंगे और नेक्स्ट व्लॉग में आप रिएक्शन देखना। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।